ई मुद्रा लिमिटेड दो सौ रुपए की इश्यू प्राइस थी और कल हुई थी इस नहीं परसों हुई थी लिस्टिंग और साढ़े पांच परसेंट प्रीमियम पर लगभग दो सौ रुपए के आसपास लिस्टिंग हुई इसकी फिलहाल आसपास से दो सौ पचपन दो सौ छप्पन रुपए पर चार सौ बारह करोड़ का इश्यू था एक सौ इकसठ करोड़ का फ्रेश इश्यू ढाई सौ करोड़ का ऑफर फॉर सेल पौने तीन गुना सब्सक्राइब हुआ था रिटेल का ढाई गुना एच का सवा गुना और क्यूआईबी कैटेगरी में चार गुना से ज्यादा आइए कंपनी uh, के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि ये कंपनी थ्री आई इन्फोटेक की सब्सिडी के तौर पर 2008 में बनी थी उसके बाद इस कंपनी का एक्विजिशन हो गया फाइनली प्रमोटर्स वगैरह चेंज होने के बाद ई मुद्रा लिमिटेड अभी जो कंपनी है इसका थ्री आई इन्फोटेक से कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है हमने आई के वक्त मैनेजमेंट से बातचीत की थी कंपनी का कारोबार क्या है वो समझ लीजिए लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर ये सारे जो कारोबार हैं उसमें कंपनी मार्केट लीडर है 38 परसेंट का मार्केट शेयर रखती है और पांच करोड़ से ज्यादा सिग्नेचर सर्टिफिकेट कंपनी जारी कर चुकी है आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वेंकट रमन श्रीनिवासन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और जो प्रमोटर भी हैं मद्रास यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस की मैथ्स में आपने डिग्री हासिल की है सी एस सी एस आई सी डब्ल्यू तीनों ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से आपने क्वालिफिकेशन ली है और आई सेक्टर का चौंतीस साल का गहरा अनुभव है श्रीनिवासन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर थैंक यू सो मच आपकी पारी की शुरुआत हो चुकी है लिस्टिंग थोड़े प्रीमियम पर हुई अभी अभी प्राइस के आसपास ही स्टॉक है कॉन्ग्रेचुलेश uh, uh, आपने uh, कैपिटल मार्केट में कदम रखा है सर ये बताएं कि अब इस साल के लिए कंपनी का आगे क्या प्लान है क्या फ्यूचर आउटलुक है किस तरह की परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में आप देना चाहेंगे Uh, we are in two sectors of business. One is the trust service and the other is the enterprise solution. And in trust service, the market research reports are predicting almost a 20% growth and in the enterprise solution, around 30% growth. And globally, a very good growth is projected over the next five years. And predominantly, because we are in the digital transformation and cybersecurity industry, the industry itself is poised for a good growth.

This margin can definitely be maintained because if you see we are in more a product business. We are not in a pure services business where the costs are proportionate. So the more we sell, the cost almost somewhat increases, but it doesn't increase proportionately. So this kind of margin is easily maintainable. Okay. And a bit increase also. okay. Uh एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूं क्योंकि अभी आपकी आपकी कंपनी कंपनी लिस्ट हो चुकी है प्राइस के ही है, के के आसपास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो विजन बारे में हैं एक आइडिया पांच साल में कंपनी किस तरह की ग्रोथ दिखा सकती है क्या विजन है आपका पांच साल के व्यू के हिसाब से कंपनी को लेकर बट नाउ वी आर मार्केट्स सो ओवर टाइम आल्सो So with that perspective the three to four year like whatever we have achieved in the last year that kind of growth we if that is the nine months of the uh, last year we have published the accounts and from there you can make an annualized growth rate. So that is the growth, kind of uh, growth rate we expect to see uh, and we will work towards that. Uh, thank you so much for taking your time out or uh, company ki plans. E-Mudra e Limited Listing. इश्यू प्राइस के आसपास ही होती हुई दिखी और कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने बताया आगे के लिए प्लांस हैं मजबूत मार्जिन मेंटेन रहेंगे ग्रोथ तगड़ी आती हुई दिखेगी